नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, एक मशहूर हिंदी पिक्चर कोहली का ये गाना है। इसी अवतार में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कोहली बनकर न सिर्फ अपने सर पर बोझ उठाया बल्कि कोहलियों के साथ मुलाकात भी की। दोस्तों, इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी चर्चा में है। पिछले साल जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता में जहां कई गुना वृद्धि हुई है, वहीं खुद राहुल गांधी का देश के आम लोग, जिनमें हर छोटे मोटे क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़े साधारण लोगों से जुड़ाव बढ़ता चला गया है। हर दिन राहुल गांधी नए नए अवतार में दिखाई देते हैं। एक तरफ जहां संसद में राहुल गांधी वर्तमान बीजेपी सरकार को गिरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, कल ही महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सचिवालय में मौजूद 90 केंद्रीय सचिवों में से ओबीसी समाज के सिर्फ 3 सचिव होने का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। वहीं दूसरी तरफ बात करें संसद के बाहर की, तो संसद के बाहर राहुल गांधी आम लोगों से बड़ी विनम्रता और सहजता से मिलते हैं। उनके दर्द और उनकी तकलीफों को समझकर उसे महसूस करने का प्रयास भी करते हैं, तो कई बार उन आम लोगों के कार्यों को खुद करने का प्रयास भी करते हैं। आज सुबह भी राहुल गांधी का ऐसा ही अवतार दिखाई दिया। आज राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां यात्रियों का बोझा ढोने वाले कुलियों के साथ समय बिताया और खुद राहुल गांधी ने एक कुली का लाल शर्ट पहनकर अपने सर पर एक बैग उठाया। राहुल गांधी ने कुली को मिलने वाला बैग भी अपनी कलाई पर बांधा। बाद में राहुल गांधी ने सभी कुली के साथ समय व्यतीत किया और उनसे कुछ समय तक बातचीत की। राहुल गांधी के कुली अवतार का वीडियो सोशल मीडिया में बेहद वायरल हो रहा है। लोग राहुल गांधी के इस अवतार को लेकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।